हेलो गाइस, एनजी ऑटो वर्कशॉप में अभी ये TUV 300 गाड़ी आई हुई है। इस गाड़ी के अंदर अभी हमने चेक किया गाड़ी को, तो गैस का प्रेशर थोड़ा भी नहीं है। अब हमने नाइट्रोन टेस्टिंग चालू कर रहे हैं। अभी हम 315 PSI प्रेशर देंगे नाइट्रोन टेस्टिंग का। अगर वो प्रेशर कहीं से रिलीज़ होता है तो हमको पता चलेगा। और ये हम सॉफ्ट मॉडल से अभी हम टेस्टिंग करने वाले हैं। इस गाड़ी में कहीं ना कहीं लीकेज है, जिसकी वजह से गैस पूरा लीकेज हो गया। ओके फ्रेंड्स, अभी हम आगे चालू करते हैं। हेलो गाइस, अभी इसमें हमने 315 PSI प्रेशर दे दिया है। यहाँ पे देखिए, ये 350 प्रेशर दिया हुआ है। अगर यहाँ पे कहीं पे लीकेज होगा तो वहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ प्रेशर डाउन होगा। और अभी हम इस गाड़ी को लीक टेस्टिंग करने जा रहे हैं। ओके, इसमें देखिए, अभी हमने यहाँ से लॉक कर दिया है और प्रेशर सडनली डाउन होता जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं लीकेज है। अभी हम इसका लीक चेक करने वाले हैं। ओके गाइस, अभी हमने इस गाड़ी को 315 PSI प्रेशर देने के बाद अभी हमने टेस्टिंग किया। और गाड़ी के ओनर हैं ये, क्या नाम सर आपका? सुधीर भाई राठवा, छोटा उदयपुर। सुधीर भाई राठवा, छोटा उदयपुर से अभी ये गाड़ी आई है हमारे पास NG ऑटो वर्कशॉप में, स्पेशली AC के लिए। अभी हम उनको बताते हैं। सर, आप उसमें कान लगा के चेक करिए, आपको कोई आवाज़ आ रही है अंदर से? हाँ। ओके, अभी इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर कूलिंग कोयल है। कूलिंग कोयल कहीं से छोटा सा लीकेज हो गया है उसमें, या फिर उसका रबड़ का ओरिंग फट गया रहेगा, जिसकी वजह से सडनली प्रेशर वहाँ पे डाउन हो रहा है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमने अभी ये 350 प्रेशर दिया था, प्रेशर सडनली डाउन हो रहा है, कंटिन्यू प्रेशर डाउन हो रहा है। ये हमने यहाँ पर लॉक किया हुआ है इसको, और प्रेशर कंटिन्यू डाउन हो रहा है। अभी ये राठवा भाई ने देखा और अपने कानों से सुना कि वहाँ से अंदर से कहीं ना कहीं आवाज़ आ रही है, मतलब अंदर से कोई ना कोई लीकेज है। ओके फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं उसका लीकेज ढूंढने के बाद। थैंक यू। ओके गाइस, अभी हम इस TUV 300 गाड़ी है डीजल वर्जन, इसका अभी हम इस डैशबोर्ड खोलने जा रहे हैं और डैशबोर्ड खोल कर कूलिंग कोयल बाहर निकालेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं इसका एयरबैग कैसे खुलता है। ये यहाँ पर एक ग्लो बॉक्स पूरा खोल लेना है, इस बॉक्स को खोल के। पीछे सेट करते जाओ सामान बेटा। इसको यहां से पीछे से, I'm
हेलो गाइस, ये अभी स्टीयरिंग हमने खोल दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा जाम था और बहुत ही मेहनत लगी है तब जाके ये इतना इजीली स्टीयरिंग खुला है। ओके फ्रेंड्स, अब ये स्लिप रिंग को बहुत ध्यान से जिस पोजीशन से निकाला ना उसी पोजीशन में रखो, नहीं तो ये टूट सकता है। इसको एक टाइट क्लिप लेके आओ बेटा। हेलो गाइस, एनजीओ ऑटो वर्कशॉप में ये TUV 300 गाड़ी का अभी हमने कूलिंग कोइल खोला हुआ है। पूरा यूनिट तो खोलने के बाद में अभी हमने वापस कूलिंग कोइल को गाड़ी के अंदर असेंबल किया हुआ है। असेंबल करके अभी हम प्रेशर दे रहे हैं। अभी एक्चुअल में लीकेज कहाँ से वो दिखाई देगा, अंदर जाइए। वो 350 से ऊपर ना बढ़े, देखना जरा 350 से ऊपर ना बढ़े। ये कूलिंग कोइल सड़ा लगने की वजह से, ओके ये कूलिंग कोइल देखिए, ये सड़ा लगने की वजह से लीकेज हो रही है। और आगे भी चेक करो, वहाँ से घूम के दिखाओ जरा। ये कूलिंग कोइल, ओके ये कूलिंग कोइल देखिए, अंदर के साइड से लीकेज हो रहा है। यहाँ लाओ, यहाँ दिखाओ। ये कूलिंग कोइल देखो, ये अंदर के साइड से लीकेज मार रही है। ओके यहाँ लाओ, चलेगा पकड़।